गांव में ड्रिंक व्रिंक बनाती है तो ऐसा बोझा सब ले जाती है, देख सकते हैं। अभी बहुत दूर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और दोस्तों आज ना बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सीन हुआ है, तो वो सारा कुछ आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। खा पी के अपने जो दोना होता है जूठा खट्टा, वो जितना होता है वो पतला सब हम लोग का जो होटल है उसमें पूरा फेंक दिया करता है। तो वहाँ जो बैठते हैं वो आज क्या काम किए हैं उसको भी आप सभी को हम बताने वाले हैं। बस वही इंटरेस्टिंग है, बस नहीं दिखा पाए उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा सीन। आशा है दोस्तों आप सभी को कि वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगता होगा आप सभी को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, इवनिंग हो रहा है और अभी शाम का वक्त है और अभी बाजार से घर जा रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप सभी को बहुत सा चीज़ बताना है, वार्तालाप करना है। और अभी अपना बुलेट राजा के साथ जा रहे हैं, देख सकते हैं इधर है पीछे। आज बाजार भी कर लिए, बाजार का दिन था इसी कारण से। तो ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, मम्मी भी पीछे साथ में जा रहे हैं, देख सकते हैं अपना बुलेट राजा के साथ किस तरह से जा रहे हैं। और ये रहा पूरा सामान सब इधर पीछे लदा हुआ है और पीछे आ रहे हैं सब, कोई देख सकते हैं। बस अब घर जाने का पूरा तैयारी में है, लगे हैं दोस्तों। बस हम लोग का जितने सामान था सारा बिचा गया, थोड़ा ही ले गए थे आज तो सब ख़त्म हो गया। और आज ढक्कन सब खरीदे हैं कुछ कुछ, तो सबको घर जाके आप सभी को दिखाएंगे। बहुत धूप था दोस्तों इसी कारण से छाता सब भी ले गए थे, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और एक चीज़ था दोस्तों, जो गांव में ड्रिंक व्रिंक बनाती है तो ऐसा बोझा सब ले जाती है, देख सकते हैं। अभी बहुत दूर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो जितना बोझा है वो जंगल से जो पतूर बोलते हैं ना दोस्तों, तो बस वो पतूर को ही पूरा चुन चुन के ले जा रही है पतूर को। और अभी जा रहे घर। आशा है दोस्तों आप सभी को कि वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगता होगा आप सभी को। तो पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में न्यू विजिट किए होंगे तो। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहेगा। आज क्या क्या शॉपिंग किया, क्या क्या किए वो सारा कुछ आप सभी को घर जाने के बाद बताएंगे। उसके बाद वीडियो को फटाफट एडिटिंग करेंगे, फिर अपलोडिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप सभी के पास प्रोवाइड करेंगे और ऑनलाइन मतलब कि क्या तो बोलते हैं यार पब्लिक करेंगे, तब ना आप सभी देखिएगा। फाइनली दोस्तों आपका भाई राइड लेते हुए अपना मंजिल में पहुँच गया, यानी कि आप सभी को तो मालूम ही होगा कि ये रहा हमारा प्यारा सा नन्हा सा गेट, देख ही सकते हैं। हम लोग का घर बहुत अच्छा है दोस्तों, लेट में हो गया लेकिन बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। फाइनली अभी हम लोग उतर गए हैं, अपना साइकिल पूरा खड़ा कर लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो अपना धागा मतलब कि रस्सी खोल लिए पूरा। उसके बाद हम लोग का जितना सामान था वो सभी सामान को धीरे धीरे करके अंदर हम लोग ले गए। ले जाने के बाद फटाफट वहाँ पर रख लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपना ब्लेड को दोस्तों उसका सही स्थान पर रख देते हैं। अब बाहर जा रहे हैं और अभी पूरा अभी आप सभी से कुछ कुछ वार्तालाप करना है पता ही है, तो अब धुआना भी है तो, लेकिन लाइट भी नहीं है जिससे हम अपना चेहरा और फ्रेश हो जाए। और बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो आप सभी के साथ शेयर करना है और वार्तालाप भी करना है। हम कैमरा में देख रहे हैं कि स्क्रीन में देख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। अभी जा रहे हैं दोस्तों बारी साइड, बस अभी सारा कुछ वार्तालाप करना है आप सभी के साथ, उसके बाद फटाफट एडिटिंग वहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर अपलोडिंग भी कर देंगे। जा रहे बारी तरफ, फाइनली दोस्तों बारी पहुंच गए कुआं के पास, बस इधर साइड में बैठे हुए हैं, तब ना आप सभी के साथ वार्तालाप करेंगे। आशा है दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा हमारा। दोस्तों लॉन्ग वीडियो तो कुछ कुछ सरप्राइज होता है ना, इसी कारण से अभी थोड़ा सा उसको पेशेंस रखिए और तब ना आप सभी को इंजॉयमेंट भी मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल में। पेशेंस का फल बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है, मज़ेदार होता है, लेकिन बहुत ही बहुत सा चीज़ ऐसा है कि यूट्यूब में भी दिखाना होता है, बहुत सा नहीं बताना होता है, तो वो सारा कुछ सीक्रेट सीक्रेट रहता है हर एक यूट्यूबर का लाइफ में वो सारा कुछ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज ना बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सीन हुआ है, तो वो सारा कुछ आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग का बाज़ार में छपरी था ना, तो वो छपरी में दोस्तों बहुत सा जितना भी बाजार का जितना आदमी लोग है वो लोग खा पी के अपने जो दोना होता है जूठा खट्टा, वो जितना होता है वो पतला सब हम लोग का जो होटल है उसमें पूरा फेंक दिया करता है। तो वहाँ जो बैठते हैं वो आज क्या काम किए हैं उसको भी आप सभी को हम बताने वाले हैं। बस वही इंटरेस्टिंग है, बस नहीं दिखा पाए उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा सेंट एकदम वहाँ पर बदबू मार रहा है, क्योंकि वहाँ पर आदमी लोग
ये भी करता है। उसके बाद जब पत्री भी वहाँ पर फेंक देता है, तभी उसको पूरा साफ करवाए गए थे, करवाए थे हम लोग मिल के, और जो छपरी में बैठने के लिए जिसको दिए हैं बस वो दोनों मिल के हम लोग साफ करवाए थे। पूरा छपरी गिरने वाला था, उसको पूरा सुधरवाएँ, पूरा बनवाएँ उसके बाद दोस्तों। और उसके बाद एक दो दिन के बाद फिर और बाजार दिन पहुँच गए। फिर उसके बाद सभी को तो जितना बाजार वाला जितना होटल वाला है सब तो उसी में कचरा फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर आज ये पूरा यूनिक चीज़ हुआ है, जो हमारे जो बैठे हैं ना सिंदूर टिप्पा पूरा लगा के आए हैं। ऐसा ऐसा जादू मंत्र जादू टोना होता है ना दोस्तों, जो गांव में ही होता है ऐसा, तो बस वही जादू टोना करके आए हैं। बस अब क्या होता है देखिए, जो वहाँ फेंकेगा पतल सब उसका घर में तो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, तो लोग भी बने रहिएगा, उसको दिखाएंगे वो चीज़, वो सीन को तो हम आप सभी को ला के दिखाएंगे। बहुत मज़ा आएगा उस टाइम, पता नहीं लेकिन बहुत मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय, फिर से और एक न्यू अनदर ब्लॉग के साथ मिलते हैं। और एक चीज़ आप सभी के साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहते हैं, जितना भी यूट्यूबर रहता है ना दोस्तों गांव में, जो जितना बिलोंग करता है वो सारा जितना यूट्यूबर बनता है, बड़ा यूट्यूबर होता है, सब गाँव से ही बन के निकलता है दोस्तों। जब उसको बहुत सा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, और बहुत सा प्रॉब्लम का फेस करना होता है, उसको देख रहे थे वो दिखाया जा रही है ना उसको, तो बहुत सा प्रॉब्लम का फेस करना होता है, सिचुएशन से लड़ना होता है। जब आप ब्लॉगिंग की ट्रेस पकड़ के जाइएगा तो सब कोई बोलता है कि कहाँ एकदम काम धंधा छोड़ के ब्लॉग में का मोबाइल में बटाते रहता है पगला जैसा, तो बस इसने गांव में सबको इसने बोलते रहता है। लेकिन ये सबको इग्नोर करके नज़रअंदाज करके आप सभी को अपना कर्तव्य काम पूरा करते रहना है। बस आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ करते रहना है, कौन क्या बोल रहा है उसे नहीं सुनना है, बस अपने काम में लगे रहना है। तो दोस्तों एक कहावत है, उसको भी आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो आशा है कि आप सभी सुनिएगा, यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो पूरा सुनिएगा ही जरूर, तो सुनिए जरूर। अपने से हम बनाए हैं, ठीक है, छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा काम है, बड़ी दुनिया है, आदमी क्या कहे उसे देखना नहीं, अपने काम में लगे रहना है। पता नहीं दोस्तों हम बताने शक रहे कि नहीं, लेकिन इसको हम शॉर्ट बोलेंगे, बहुत अच्छा तरह से सोच के इसको स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद आप सभी के साथ हम लाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं दोस्तों हमको ना थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं हम बोलने शक रहे कि नहीं। सब कोई परीक्षा लेता है, लेकिन भगवान का परीक्षा सबसे अलग होता है। उसमें सबको हर एक चीज़ अलग अलग तरह का सिचुएशन से लड़ने का, हालात कैसे क्या करे कब कैसे हो, सारा कुछ सिखा देता है हालात। जब आदमी पे कुछ भी गुजरता है तो पता चलता है कि आदमी के साथ कैसा घटित हुआ, कौन कैसा है, कि हर एक इंसान का जो होता है ना हंसता हुआ चेहरा का पीछे गुस्सा सारा कुछ दिखता है। जब आप कोई ऐसा सिचुएशन में पड़ जाइएगा, जब आप हेल्प मांगिएगा किसी से ना, तब उस टाइम आप सभी को पता चलेगा ये सारा कुछ हो चुक रहा है मेरे साथ, तो पता चल रहा है, तो सारा कुछ शेयर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं फिर और एक न्यू अनदर ब्लॉग में। अगर आप सभी फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी के लिए बाय बाय, फिर और एक न्यू अनदर ब्लॉग के साथ मिलते हैं, न्यू इंटरेस्टिंग के साथ, न्यू एंजॉयमेंट के साथ।